में आगे बढ़ेंगे। धर्मचंडगढ़ के बहरामार गांव में एक और हाथी की मौत हुई है और हाथी छाल रेंज के बहरामार गांव के किनारे पर घूम रहा हुआ था। ये दंतेल हाथी की मौत हुई है। रेंज में लगातार हाथियों की मौत हो रही है, लेकिन किसी हाथी की मौत की वजह अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। वन विभाग का अमला मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। बता दें कि रेंज के गेरसा गांव में भी दो दिन पहले करंट लगने की वजह से हाथी की मौत हुई थी, जिसमें 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं अगर एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, और उसके साथ ही एक हाथी अभी भी गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। अगर इसकी स्थिति नहीं सुधरती है तो संभावना ये जाहिर की गई है कि इस हाथी की भी मौत हो सकती है। तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि एक हफ्ते में 7 हाथियों की मौत का आंकड़ा यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है। केरल की बात करें तो केरल में एक हाथी की मौत होती है और उस पूरे घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो गई है। श्वेत आलम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। श्वेत, एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत छत्तीसगढ़ में, हाई प्रोफाइल मीटिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बुलाते हैं, कार्रवाई के दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, मीटिंग के ठीक 24 घंटे के भीतर ही एक और हाथी की मौत। जी बिल्कुल, एक हफ्ते छत्तीसगढ़ में 6 हाथियों की जी लगातार मौत हुई है। शेख, हम चाहेंगे कि आप पॉपर नेटवर्क शेख आलम नेटवर्क में आ जाइए, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत अब तक हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले भी एक हाथी की मौत हुई थी, उसके बाद 2 दिन के भीतर एक और हाथी की मौत होना। वन विभाग का अमला मामले की जांच में जुटा हुआ है, लेकिन जांच किस तरह से की जा रही है, किस वजह से इन हाथियों की मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम राजीव चौहान जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन, राजेश चौहान जी हैं, रेंजर हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, क्या वजह बताई जाती है इन हाथियों की मौत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है, सीएम भी हाई प्रोफाइल मीटिंग बुला चुके हैं। फिलहाल तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हम लोग, क्योंकि आदमी के अच्छा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है ये जितना सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है ये वही हाथी है जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और जब ये क्षेत्र में विचरण कर रहा था तो उसके बाद इसकी मौत होती है। क्या ये जानकारी सही है? ये भी अभी संदेहास्पद है, क्योंकि जो उसके पास कॉलर आईडी भी तो लगाए जाते हैं सर। कॉलर आईडी नहीं लगा था इसमें, निकल गया था कॉलर आईडी। तो सर वन विभाग कर क्या रहा है? वन विभाग कॉलर आईडी नहीं निकालता, लगाता है, और हाथी से किसी पेड़ से टकराएगा तो वो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बड़ी बात तो फिर हाथी की मौत होना भी फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या आप अपनी भाषा सही रखिए। देखिए सर, भाषा के बारे में आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे अपनी भाषा कैसी रखनी है। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कॉलर आईडी अगर गिर गया, निकल गया तो निकल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, उसी हिसाब से अगर एक हाथी की अगर मौत हो जाती है तो वन विभाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 6 हाथियों की मौत हो जाती है तो भी वन विभाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? बाकी हाथियों की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं रेंज अफसर हूँ, कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूँ सर। कोऑर्डिनेशन होता है एक सर, सुनिए सुनिए सर, राजेश जी, कोऑर्डिनेशन होता है, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, कोऑर्डिनेशन भी होता है, आप लोगों को ये जानकारी, आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ की विभाग तो एक ही है सर, आप लोगों को कहीं ना कहीं से ये तो जानकारी मिल जाती होगी। अच्छा, इस सब अगर फर्स्ट टाइम ऑफ फेस की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है हाथी की मौत किस वजह से हो सकती है, क्योंकि एक हाथी की जो मौत हुई थी वो करंट बिछा दिया गया था, करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी, तो फर्स्ट टाइम ऑफ फेस ही में आप क्या बता सकते हैं कि इस हाथी की मौत किस वजह से हुई? अभी ऐसा कोई मतलब सिम्टम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे पता चले कि एग्जैक्टली उसको क्या हुआ। अभी जैसे ही डॉक्टर्स की टीम आ रही है स्पेशली, वो टीम आएगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि वास्तव में हुआ किस लिए। ठीक है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए जब इस हाथी की मौत हुई, तब आप लोगों को कब पता चला? मैं सुबह ही जानकारी मिल गई थी, 5 बजे करीब, सुबह 5 बजे मिल गई थी, और अभी 3 बजने वाले हैं, मतलब अभी तक आपके पास डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुंच पाई है? नहीं, टीम रायपुर से आ रही है भाई, स्पेशल टीम आ रही है वहाँ, स्पेशल टीम आ रही है, तो ठीक है, मतलब स्पेशल टीम आ रही है, बहुत टाइम लगेगा ना, मान के चलिए यहाँ तक आने में
6.5-7 घंटे लगेंगे रायपुर से। आपने राजधानी में डिपार्टमेंट को कब इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे एक और हाथी की मौत होगी? सुबह से ही उनको सबको खबर मिली। नहीं सर, खबर तो पूरे मीडिया में पिछले एक हफ्ते से चल रही है कि इस हाथी की मौत को मिला के 6 हाथियों की मौत हो गई है। एक हाथी ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में है, ईश्वर न करे उसकी भी मौत हो जाए। इस तरह से एक हफ्ते का अगर हम आका एक हफ्ते का सुन लीजिए सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, एक हफ्ते का आंकड़ा है 7 हाथियों की मौत छत्तीसगढ़ में, ये निकल के आ रहा है। विचरण करते हैं हाथी, जब ग्रामीण बुलाते हैं सूचित किया जाता है तब जो अमला है वो नहीं पहुंचता। आप मुझसे कह रहे हैं कि भाषा सही रखिए, मैं सवाल कर रही हूँ, आपको मेरे सवालों से दिक्कत हो रही है। आप रेंजर है, आप मेरी बात सुनिए राजेश जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मैं आपकी सुन लूंगी और दर्शक भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है हम अपनी भाषा सुधार लेंगे, लेकिन अगर आपका कहना यह है कि सवाल नहीं किया जाए, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये सवाल करना भाषा गलत है तो ये नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और दूसरी चीज ये कि ठूठ, जंगलों में ठूठ जो कीमती बेशकीमती पेड़ है वो कट जाते हैं। मैं आपसे सहारे गार्ड में बात कर रही हूँ सर, ये मेरा पैरोगेटिव है, यह हमारा पैरोगेटिव है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इधर उधर मत उलझाइए। मेरा सीधा सवाल है कितना वक्त और लग सकता है किस चीज के लिए? पोस्टमार्टम के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम मुझे लगता है 3 बजे, अभी क्या टाइम हो गया, लगभग 1.5 घंटे पहुंचेंगे और ठीक है फिर हो पाएगा। ठीक है, जो आपकी जो बीट आप लोगों की बीट बोल रही है ना, सुनिए आप मेरी बात भी सुन लीजिए, सुनाइए सुनाइए। मेरा कहना यह है जिस लेवल का जो आप क्वेश्चन मेरे से करी ना वो एक्चुअल मेरे लेवल का नहीं है। नहीं सर, आप हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। सर आपके वरिष्ठ अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे, तो आप उसके फोन ही नहीं उठा रहे, आपके वरिष्ठ अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे। भाई आप रेंजर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सर, आप रेंजर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और क्वेश्चन में लेवल नहीं देखा जाता, एक सेकंड, क्वेश्चन में लेवल नहीं देखा जाता। आप रेंजर हैं, आप पर्टिकुलर क्षेत्र के रेंजर हैं, आप फोन भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपने कर ही दिया फोन डिस्कनेक्ट। तो ये थे राजेश चौहान जी, क्योंकि इनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था, जवाब एक बार हम आपको इनका फिर से सुनाएंगे कि मैं इनसे जिस तरह के सवाल कर रही हूँ वो इनके लेवल के नहीं है, वो वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए जाए। और जिले के कलेक्टर को फोन इस वक्त किया जा रहा है तो वो फोन ही रिसीव करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ये स्थिति है जहां पर एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो जाती है और वहां पे सवाल करना भी गुनाह हो जाता है, पत्रकारों को कह दिया जाता है कि आप भाषा सही इस्तेमाल कीजिए। इनके सवाल करना यहाँ पे ये बताता है कि आप भाषा सही इस्तेमाल कीजिए, आपकी भाषा सही नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं किया जाए। ये स्थिति है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक सब कोलैप्स हो चुका है। शेख आलम हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया जानकारी के लिए। और हालांकि राजेश जी, अगर आप स्वराज एक्सप्रेस से फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अगर देख रहे हैं तो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, भले आप एक रेंज के रेंजर हैं, अगर उस रेंज में अगर एक चिड़िया भी मर रही है और एक पेड़ भी कट रहा है तो वो क्यों कट रहा है वो आपसे ही पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने जितनी भी हमसे बातचीत की। एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।